नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट मोड की एक नई वीडियो में। दोस्तों, वनडे विश्व कप 2023 के 30वें मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया है, तो वहीं पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 241 रन बनाए थे और अफगानिस्तान ने 3 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया, जिसके बाद हार के साथ श्रीलंका के लिए आगे का रास्ता अब और भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान ने इंग्लैंड और पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका को भी हरा दिया है। तो वही दोस्तों, ये विश्व कप में अफगानिस्तान की तीसरी जीत है और इससे पहले इस टीम ने इंग्लैंड और पाकिस्तान को हराकर उलटफेर किया था और अब पाकिस्तान की टीम अंक तालिका में 6 नंबर पर आ चुकी है। और वहीं दोस्तों, श्रीलंका के लिए सेमीफाइनल का रास्ता और भी मुश्किल हो चुका है। तो वहीं श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 39.3 ओवर में 241 रन बनाए थे और इसके जवाब में अफगानिस्तान ने 45.2 ओवर में 242 रन बनाकर मैच को अपने नाम कर लिया, जिसके बाद श्रीलंका के लिए किसी भी बल्लेबाज ने बड़ी पारी नहीं खेली। और दोस्तों, लेकिन सभी के छुटपुट योगदान के चलते हुए 200 रन के पार पहुंच गई श्रीलंका, पर सबसे ज्यादा प्रथम निशंका ने रन बनाए। उसके बाद दोस्तों कुशल मेंडिस ने 39 रन, तो वहीं सदीदा समारा विक्रमा ने दोस्तों 36 रन का योगदान दिया और अंत में तिक्षणा ने 29 रन बनाए और अफगानिस्तान के लिए फजलक फारूकी ने 4 विकेट लिए, जिसके बाद दोस्तों मुजीबुर रहमान को 2 विकेट मिले और अजमतुल्ला और राशिद खान को 1-1 विकेट मिला। इसके बाद 242 रन का पीछा करते हुए अफगानिस्तान ने पहले ही ओवर में गुरबाज को विकेट गंवा दिया और इसके बाद दोस्तों इब्राहिम जादराल 39 पे, तो वहीं दोस्तों रहमत साहब 62 के साथ मिलकर मैच में अपनी टीम की वापसी कराई। और इन दोनों के आउट होने के बाद अजमतुल्ला उमरजाई नाबाद 73 और कप्तान अजमतुल्ला साहिदी नाबाद 58 रन से चौथे विकेट के लिए नाबाद सद की साझेदारी करी और अपनी टीम को जीत दिला दी। तो दोस्तों, ये रही क्रिकेट मूड की तरफ से एक और हाईलाइट मैच वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्रिकेट मूड के चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।